जगांगे जगावांगे अज खुशियां मनावांगे अज दी रात चरनी को भंगड़े पावांगे अज दी रात चरनी को भंगड़े पावांगे जगांगे जगावांगे मनाओ लोगो सारे खुले अजन तंगाराए खुशियां मनाओ लोगो सारे खुले अजन तंगाराए मुर्दा जिंदगी नू मिलया वेखो जिंदगी दा साए जिंद यीशु नावे लावा ये सुनावे लावांगे अज दी रात चरनी को भंगड़े पावांगे जगांगे जगावांगे कई मजूसी तेनू मिलण लई यीशु मेरे आए कई मजूसी तेनू मिलण लई यीशु मेरे आए सोना मुरलू मन ओ यीशु तेरे लई ले आए असी ईद मनावा असी ईद मनावांगे अज दी रात चरनी को भंगड़े पावांगे जगांगे जगावांगे अरशा तो लेके आया तेरे लई न जाते अरशा तो लेके आया तेरे लई न जाते ओ दिशान दे लाली जीवन ओ दी उच्ची लाते यीशु पैरा विच गावा यीशु पैरां विच गावांगे अज दी रात चरनी को भंगड़े पावांगे जगांगे जगावांगे अज जगांगे जगावांगे अज जगांगे जगावांगे मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरा नाम ज़ुबिन अर्नेस्ट और मुझे खुशी है इस बात की कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और हमारी टीम इस बात पर बहुत खुश है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और मुझे ईमेल्स और बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के जो मिल रहे हैं बहुत खुशी हो रही है इस बात से। और हमेशा की तरह आज भी हमारा जो शो है इसमें हम आपके पास एक गेस्ट लेके आएंगे और एक न्यू टैलेंट लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह ये एपिसोड भी आपको पसंद आएगी। और अब वो टाइम है जब मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाऊंगा जो एक बेहतरीन कंपोज़र भी हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं और उसके साथ साथ वो एक खुदा के खादिम पास्टर भी हैं और इनको आपने अभी सुना है इनका गीत और जिसने हमें जगा दिया है और एक वार्म अप दे दिया है। आइए मिलते हैं पास्टर जॉयस जीवन से।
कैसे आप? God bless you. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक. वेलकम टू आर शो. वेलकम. गीत तो हम आपके सुनते ही हैं, देखते हैं, लेकिन आज आप प्लीज़ हमें बताएं कि अपनी फैमिली के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ हमें, हमारे नाज़रीन को बताइए. बिल्कुल, मैं ज़रूर बताऊँगा. मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है. एक मेरी मिसेज है और 2 मेरे खूबसूरत से बेटे हैं जो मुझे खुदा ने अता किए हैं अपने फजल और रहम से. और बड़ी खुशगवार फैमिली है, छोटा सा घराना है. और 5वां जो अफराद है वो हमारे घर में, जो हमारी ज़िंदगी में रहता है, वो यीशु नासरी है जी, जिसके वसीला से सारी खुशी है, इत्मीनान है, शादमानी है. वही संभालता है, वही बचाता है और हर एक ज़रूरत को वो पूरा करता है. तो इस सारे फजल के लिए खुदा बाप का उसका शुक्र अदा करते हैं. बस ये छोटी सी फैमिली है. तो कुछ हमारे व्यूअर्स को आप अपनी टेस्टिमनी के बारे में बताएं कि आपको कब से आप पास्टोरल खिदमत में और एक राइटर, आप काफ़ी चीज़ों के आपके पास लकब हैं और बहुत सी चीज़ें आप कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा. मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि मेरी वालदा जो थी वो बीमार थी और उन्हें लकवा हो गया था फेस पर. तो मुझे किसी ने कहा कि आप इन्हें फलाने चर्च में ले जाएँ. तो मैं इनको चर्च लेकर गया और वहाँ पर इन्हें बिठा कर, तो मैं, मेरी ये क्योंकि घर में छोटा होने के नाते ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं उनकी देखभाल करूँ. और मैं उनको छोड़कर चर्च, तो फिर पीछे वापस मुड़ जाता था, वहाँ पर बिठा कर उन्हें चर्च में आ जाता था. तो एक दिन मैं उन्हें चर्च में छोड़कर तो जा रहा था, तो मैंने खुदा की आवाज़ को अपने मन के अंदर जो है ना फील किया कि कोई शख्सियत जो है वो मुझसे कलाम कर रही है, मुझसे बात कर रही है और मुझे ये कह रही है कि जहाँ तू जा रहा है वो तेरी मंजिल नहीं, जहाँ से तू आ रहा है वहीं को लौट जा. मुझे नहीं मालूम मैं कब जाकर चर्च में बैठ गया. बस मुझे ये पता लगा है कि किसी ने कहा है कि आए हम अपने सरों को झुकाएं, इबादत ख़त्म है, उठें, एक दूसरे से मिलें और सलामती से जाएं. तो मैं भी उठाऊँ, हमने भी एक दूसरे से मिले हैं और मैंने अपनी वालदा को लिया और मैं अपने घर आ गया. और ये 97-98 की बात है. और उस वक्त से ये जो 3 साल थे 2000 तक, गिरना, उठना, बैठना वाली ज़िंदगी थी. जैसे एक बच्चा जब नया नया चलना सीखता है, वो तो वो कभी गिरता है, कभी उठता है. तो ये 2-3 साल हमारे खुदा के साथ इस तरह गुजरे. और फिर मैंने 2000 से प्रॉपर तरीके से खुदा को कबूल किया, उसकी रास्तबाजी को पूरा किया, पानी का बपतिस्मा लिया. और उसके फ़ौरन बाद ही मुझे FGA चर्च रावलपिंडी के अंदर, जो खुदा ने रुलकुश का बपतिस्मा दिया वहाँ पे सिस्टर एलिस के वसीला से, तो फिर मैंने प्रॉपर तौर से खुदा को कबूल किया और गुनाहों से, मतलब मैंने निजात पाई और हर तरह की बदी को, गुनाह को मैंने खैरबाद किया और मैंने रास्तबाजी को कबूल कर लिया. तो जब मैंने खुदा को कबूल कर लिया तो खुदा की ये खूबी है कि वो अपने पास आने वालों को हर तरह की नेमत से, बरकत से नवाजता है. तो मैं पहले स्टेज ड्रामे लिखा करता था, तो उसने मुझे बताया कि मुझसे बड़ा राइटर कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने एक बाइबल मुकद्दस लिख कर, अपने मुंह का कलाम लिख कर हमारे हाथ में दे दिया, जो कि आज भी जिंदगियों के अंदर, घरानों के अंदर, ख़ानदानों के अंदर बंधनों को खोलता और जुओं को तोड़ता है. और खुदा के कदमों में बैठ बैठ कर, क्योंकि मैं लिखा करता था, तो उसने मुझे लिखने का फजल दिया. फिर मैंने चंद गीत लिखे, अभी 300 से ज़्यादा मैं गीत लिख चुका हूँ, और जिनमें मेरे, मतलब, बहुत सारे कलीसियाओं में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी लोग गीतों को पसंद गीत करते हैं. पूरी और मुरादाएँ थे, रूदी मामूरी है, यीशु कीता माला माल, खैमा इज्तमा में आ, रूए पाक, दुखियों को देता सारे यीशु बाहर उठाता है, मेरे जाग पे सुते नसीब, हाथ चुक के बजाओ सारे तालियाँ, रूह है खुदा रूह है तेरी हल्की सी आवाज़ से, ये सारे, मतलब इस तरह के बहुत सारे मैंने गीत लिखे जो कलीसियाओं में बरकत का बायस है और लोग उन्हें सुनकर खुदा से बरकत पाते हैं. और यही हम लोग पिछले दिनों ही, एक हमारे गेस्ट आए हुए थे, हम लोग उनसे यही बात कर रहे थे कि जिस तरह हमारे पास नए टैलेंट्स हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग ये भी चाह रहे थे, हमारी दिली डिज़ायर थी कि और ज़्यादा राइटर्स भी आने चाहिए. बिल्कुल. और बहुत ये वाला बहुत ज़्यादा एरिया खाली है राइटर्स का देखा जाए तो आप क्या, जो राइटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मेरे लिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ बाइबल पढ़ के शायरी का, आप क्या? बिल्कुल. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी शायर हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन शायरी दर हकीकत एक मैसेज है, गीतों के अंदर एक मैसेज है कि आप अपने खुदा को, उसकी कुदरत को बयान कर रहे हैं.
बतेरे गीतों में पहले स्टार्ट ही में मैंने देखा है कि लोग अबलीस के नाम को इस्तेमाल करते हैं, शैतान को नाम को। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी मतलब ख्वाहिश है कि अबलीस जिससे हमारा कोई नाता नहीं, जिससे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं, तो उसका जिक्र क्यों? ठीक है, इतने नहीं शैताना तेरा जोर चलना। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है। और इस तरह के और से भी बहुत से गीत हैं जिनके अंदर मतलब अबलीस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। तो हम यीशु मसीह के पैरोगार हैं, ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम अपने मसीह की खूबियों को, अगरचे तुमने खुदा को जान तो लिया, रोमियों के खत में ये बात लिखी है, लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसकी परस्तश ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। तो मतलब कहने का ये, हमारे गीत हों, लफ्ज़ हों, वो बार बरकत हों, दुआ में बैठ के लिए हों और खुदा की मर्ज़ी से लिखे हों, और उन लफ्ज़ों से लोगों को गोया के बरकत मिले, आसमानी लफ्ज़ मीठे जिन्हें सुनकर जो है इत्मीनान आ जाए, शांत मानी जाए, इस तरह की लिरिक्स और इस तरह की शायरी हो, तो ये मेरा ज़्यादा। और खासा कमी है ऐसी शायरी की, और मैं समझता हूँ कि कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन जितनी बड़ी हमारी फील्ड है जी, उस हिसाब से हमें गीत लिखने चाहिए। मेरे आप कोई भी गीत आप मेरा देख लें, शुरू के एक दो गीत में है, लेकिन उसके बाद मेरे जितने भी गीत मैंने लिखे हैं उनके अंदर आपको इबलीस का जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई लफ्ज़ जो मैं इबलीस का बीच में लिखता ही नहीं अपने गीतों के अंदर, सिर्फ प्रस्तिश के ताल्लुक से होंगे या उनके अंदर ऐसी बातें होंगी जिनके वसीला से, गज़ल देख लें, कोर्स देख लें या गीत देख लें, कुछ भी आप देख लें, उसमें आपको इबलीस का कोई भी जिक्र नहीं मिलेगा मेरे गीतों में। ख़वातीन हज़रात, हम आपको यही बताना चाहते हैं इस प्रोग्राम के वसीला से कि आप कोई भी पोटेंशियल रखते हैं, लिखना अच्छा जानते हैं, गाना अच्छा जानते हैं, कुछ भी अच्छा करना जानते हैं, तो खुदा के लिए करिए, खुदावंद के हजूर के लिए, खुदावंद की परस्तिश के लिए करें, क्योंकि आप सबके टैलेंट जब आप खुदा को देंगे तो खुदा उसको मल्टीप्लाई करता है। और जिस तरह हम भी आपके सामने न्यू टैलेंट्स ला रहे हैं, उस तरह आप भी अगर पोटेंशियल रखते हैं तो आप भी ये काम कर सकते हैं। आई ख़वातीन हज़रात आपको मिलवाते हैं अपने न्यू टैलेंट से आज के, और बहुत सुरीला गाने वाली और बहुत ज़्यादा मसा शुदा उनकी आवाज़ है, और साइमा रहमत, हाउ आर यू? और वेलकम टू आवर शो। हम आप से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में कुछ, अपनी टेस्टिमनी में के बारे में बताएं कि किस तरह आपको बुलाहट हुई और आप परस्तिश की तरफ खुदा ने आपको इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में इबादत वगैरह होती थी, रोज़ाना ही होती थी, मैं बहुत छोटी थी। उस दौरान एक पास्टर आए थे, उन्होंने मेरे बारे में नबूवत की कि मैं आइंदा आने वाले दिनों में खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो मैं हमेशा इन बातों को निगलेक्ट करती थी, मैं बोलती थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जब मैं बढ़ती उम्र के साथ साथ मैं घर पे जब प्रस्तिश वगैरह दुआ होती थी, तो उस दौरान में जब मैंने प्रस्तिश करनी तो दुआ में जब मैं झुकती थी, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू और मैं थे, हम दोनों बैठ के दुआ कर रहे थे। उस दौरान मेरे अब्बू दुआ करके चले गए, लेकिन मैं सजदे में थी, दुआ कर रही थी, तो खुदावन ने मुझे छुआ, और इस कदर छुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। और उस मसा को, उस हजूरी को मैं अभी तक जब भी मैं बैठती हूँ खुदा की हजूरी में तो उसको महसूस करती हूँ। और वो दिन और आज का दिन मेरी ज़िंदगी में, वो जो पुराने दिन थे, खुदा ने मेरी पुरानी इंसानियत को बदला, और मैं अपने घर की वाहिद यंग लड़की हूँ जिसे सबसे पहले खुदा ने अपने पाक रूह से मसा किया, और बहुत सी नियमतें खुदा ने मुझे दी। और उसी दौरान खुदा ने मेरी खिदमत को भी बढ़ाया, और खिदमत को बढ़ाते बढ़ाते फिर मेरी फैमिली में, फिर बाहर के लोग, खानदान के लोगों में खुदा ने बहुत मुझे इज्जत दी, और प्रस्तिश के वसीला से ही खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया वहाँ पे भी। और फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की वुमेंस लीडरशिप की, फिर उस दौरान बहनों में खिदमत की अपने चर्च में, फिर इस तरह से खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते बढ़ते। अच्छा, तो आप चर्च में भी वर्शिप लीड करती हैं जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप पास्टर जॉयस, आप क्या कहना चाहते हैं जो चर्च के वर्शिप लीडर्स हैं उनके लिए? बड़ी खुशी की बात है, वो उन्हें खुदा के करीब रहना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी ज़बूर 73 में एक आयत कोट की थी, उसकी 28वीं आयत में लिखा है कि मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदावंद अपने खुदा की नज़दीकी को हासिल करूँ। तो प्रस्तुत करने से हम खुदा को देते हैं, प्रस्तुत करने का मतलब है कि हम खुदा को दे रहे हैं। जब हम खुदा को कुछ देते हैं तो उसके बारे में लिखा है कि वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर एक शेर को, हर एक जान को शेर और आसूदा कहा करता है। ये उसकी खूबी है कि जब हम उसे देते हैं
तो फिर वो हमें लुटाता। तो परस्तार जो है वो खुदा के करीब हैं, वो खुदा को मतलब मजबूर करते हैं कि वो अपने हाथों को खोले और हमें दे। साइमा, आप हमें बताएं आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा वर्शिपर और उसके बारे में आपको क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा जिन्होंने इंस्पायर किया वो है पादरी अर्नेस्ट मरथा। उनकी शायरी, उनकी गायकी ने, उनके गीत जब मैं सुनती हूँ तो वो बहुत दिल को भी अच्छे लगते हैं और रूह भी ताज़ा हो जाती है, तो इसलिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। जी हाँ जी, अर्नेस्ट मल साहब बड़े अजीम खुदा के खादम हैं, जिन्होंने आके नौजवानों को एक नया अंदाज दिया कि उन्हें ये सिखाया कि खुदा की परस्तिश उन्होंने किस तरह से करनी है। और आज देख लें कि दुनिया के अंदर तमाम चर्चेस के अंदर आप देखें कि नौजवान हैं उन वो ये चाहते हैं कि हम खुदा की नाचते हुए, झूमते हुए, तालियाँ बजाते हुए, नारे लगाते हुए खुदा की परस्तिश करें और उनके नाम, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। अब जैसा कि आपने मेरा गीत सुना अभी, वो भी काफ़ी एनर्जी से भरा हुआ है, उसका म्यूज़िक बड़ा अच्छा बनाया है भाई विक्टर नाज ने और उसके बोल भी बड़े खूबसूरत हैं। जगांगे जगावांगे, आज खुशियां मनावांगे, आज दी रात चरनी कोल भंगड़े पावांगे। तो हम शुक्र गुजार हैं डब्ल्यू वेब टीवी के, जिन्होंने हमें ये मौका फ्राहम किया कि नए लोगों को, नए टैलेंट को, कि वो आके अपने सारे टैलेंट को दुनिया की इंतहा तक और तमाम लोगों तक पहुँचाएँ। हम बहुत शुक्र गुजार हैं आप सबके। गॉड ब्लेस यू। अच्छा साहब, हमें बताएं जो आप गीत अभी सुनाने लगी हैं, इसके बोल क्या हैं, किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है, और इसके बारे में बताएं कि गीत आपके लिए कितना मायने रखता है। बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से लोगों के बीच में गीत गा रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत से चर्चेस में और सेमिनार्स में गाया, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस तरह से इस गीत को गाऊँ, और बहुत ही अहमियत रखता है मेरे लिए। और ख़ासकर मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों को भी ये पसंद आए। और इसके अलावा इस गीत को लिखने वाले भाई नासिर जॉन हैं और इस गीत के कंपोज़र भाई डेनिस विक्टर हैं और इस गीत का म्यूज़िक विक्टर नाज ने किया है। वाह वाह वाह। नाजरीन, अब देर किस बात की, आइए चल के देखते हैं हमारा अगला गीत। चंपा सितारा, चंपा सितारा पैदा हुआ है बहुत अच्छी हमारा। चंपा सितारा पैदा हुआ है बहुत अच्छी हमारा। बेतलहम में चंपा सितारा पैदा हुआ Of course।
नबियों ने दी थी जिसकी गवाही आज वो देखो रात है आई। नबियों ने दी